Let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your banner unto the darkness. Unto the darkness. Seek out the hopeless. प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। हम आपको लाइट ऑफ द नेशंस सुसमाचार प्रोग्राम पर स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर शालिनी पलिल हूँ, क्रॉस टीवी नेटवर्क पर डुआर्टे कैलिफोर्निया से। आइए हम दुआ मांगेंगे। प्यारे प्रभु, हम फिर तेरी तारीफ और तेरी स्तुति करते हैं कि तूने हमको ऐसा एक सुंदर मौका दिया जहाँ हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं और आपकी तारीफ और स्तुति कर सकते हैं। प्रभु, तू धन्यवाद का योग्य है और स्तुति और तारीफ का तू योग्य है। आज हमारे प्रोग्राम के ऊपर प्रभु अपना आशीष आप उंडेल दे और सुनने वालों को सबको आशीष तू दे दे। मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमेन। आज हमें बहुत खुशी है कि कई हफ्तों के बाद आज मैं यहाँ पे लाइव अपना स्टूडियो से अपना प्रोग्राम कर सकती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग कई जगह 2 महीने हो गए हम सफ़र कर रहे थे। परमेश्वर ने हमारे लिए कई देशों में दरवाज़ा खोला जहाँ पे हम जाकर परमेश्वर का काम कर सके, और प्रभु ने हम लोगों को इस्तेमाल किया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं और उसकी तारीफ और उसकी स्तुति करते हैं। पहले तो प्रभु ने हमको हमारे लिए क्यूबा में एक दरवाज़ा खोला। जैसे आप जानते हैं कि क्यूबा जो है वो एक कम्युनिस्ट राज्य है, परंतु परमेश्वर ने दरवाज़ा खोला और वहाँ पे परमेश्वर ने अपना खिदमत हम लोगों से द्वारा कराया और किया। वहाँ पे प्रभु के काम के लिए जो सेवक जो ट्रेनिंग में है उनको हम पढ़ा सके और उनको हम सिखा सके प्रभु का वचन। और सिर्फ वो नहीं, और दूसरे वहाँ पे जो संगति थे वहाँ पे सब प्रभु का जो वचन है वो प्रचार करने के लिए भी प्रभु ने हमको मदद किया। उसकी बड़े नाम की तारीफ और स्तुति हम करते हैं। उसके बाद परमेश्वर हमको ले गया बार्सिलोना स्पेन में। वहाँ पे भी प्रभु ने अपना खिदमत हमारे द्वारा करवाया। हम उसकी बड़े नाम की तारीफ और स्तुति करते हैं। और जो जो भाई बहन और जो पासबान लोग ने जो हमारे लिए सारा इंतज़ाम किया उनको भी हम धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने अपना हाथ जो है वो फैलाया हमारे और प्रभु का काम करने के लिए उन्होंने भी मदद किया। उसकी बड़े नाम की जय जयकार हो। उसके बाद प्रभु हमको ले गया श्रीलंका पे। वहाँ पे प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए और कई गिरजाओं में प्रचार करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और वहाँ पे तो प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया। हम उसकी बड़े नाम की तारीफ और स्तुति करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि श्रीलंका में तो बहुत से बुद्धिस्ट हैं और बहुत से हिंदू भी हैं और हमारे मुस्लिम भाई बहन भी है। परमेश्वर ने उनके बीच में सब बहुत बहुत बड़ा काम किया और कई मौजे भी परमेश्वर ने किया। उसके नाम में हम पढ़ते हैं कि उसके वचन में कि जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं और जब हम उसके नाम में जो बीमार है उनके ऊपर जब हम हाथ बढ़ा कर हम रखते हैं और प्रार्थना और दुआ मांगते हैं, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। बीमारी उसको कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमारे बीमारी के शिफा के लिए प्रभु सलीब पर अपने आप अपना
जो शरीर था उसको अर्पण किया और अपना खून हमारे शिफा के लिए बहा दिया था। हम उसकी बड़े नाम की तारीफ और स्तुति करते हैं कि प्रभु ने ऐसा मौका हमको दिया जिसके द्वारा हम उसके नाम को हम उठा सके और इसको उसके नाम को हम फैला सके, और जो एकदम निराश और जो पाप में जो बंधन जिसके ऊपर पाप का बंधन था, कई बंधन प्रभु ने तोड़ा, उसके नाम की हम जय जयकार करते हैं। कोई और पाप का बंधन नहीं तोड़ सकता है सिवाय हमारा प्रभु यीशु मसीह। पिछले हफ्ते हमको मालूम है कि अमेरिका पूरा और कनाडा और थोड़े से और भी राज्य, वो लोग ने सब ने एक बहुत बड़ा त्यौहार उन्होंने मनाया, उसको हम इंग्लिश में तो कहते हैं थैंक्स गिविंग, नहीं हिंदी में बोलेंगे धन्यवाद का त्यौहार। तो ये धन्यवाद का जो त्यौहार है ये कहाँ से ये इसकी शुरुआत किया है उसके उसके बारे में हम थोड़े देर देखेंगे। हमको मालूम है कि इंग्लैंड के जो मसीह लोग थे, जब उनको अपना धार्मिक जो अपना जो धर्म था वो प्रचार करने के लिए और वो पालने के लिए जब उसको मुश्किल उनको मुश्किल हो गया, तो वो सफ़र निकले और प्रभु उनको ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका में ले आया। वो जब वो आए थे तब उनको बहुत मुसीबत था, बहुत कष्ट उन्होंने उठा के वो आए। तो यहाँ के जो देश निवासी थे उनको हम बोलते हैं अमेरिकन इंडियंस, नहीं तो रेड इंडियंस भी बोलते हैं, वो लोग ने इनको मदद किया और उन्होंने इनको खेतीबाजी सब करने को सिखाया। तो पूरा वर्ष ये लोग खेतीबाजी करते रहे और जैसा यहाँ का रीति रिवाज था वो सब उन्हें वो पढ़ने लगे और उसका पालन भी वो करने लगे। तो हम देखते हैं कि पहले तो उन्होंने बीज बोना सब सीखा, यहाँ के जो अमेरिकन थे अमेरिकन इंडियन उनसे ये लोग ने सीखा, ये जो इंग्लैंड से जो सफ़ेद लोग आए थे उन्होंने सीखा कि ये बीज बीज कैसा बोते हैं। और उसके बाद जब पहला फसल वो जब उन्होंने काटा तब सब जब फसल काट लिया तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहली बात तो उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर का स्तुति और परमेश्वर का आराधना उन्होंने किया। ये उनका तरीका था जिसके द्वारा वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे कि प्रभु तुमने हमको बचाया, तुम हमको इधर ले आया और तुमने हमको ये सब करने के लिए और हमको खाने के लिए खाना भी तुमने दे दिया। और जो भी इनका जो फसल था वो उन्होंने क्या किया, जो अमेरिकन इंडियंस थे उनके साथ भी उनको भी बुलाया और सब मिल के बहुत ही अच्छा एक धन्यवाद का त्यौहार ये लोग सब ने मनाया। तो वहाँ पे खाने का खास खास जो चीज़ थे वो तो है, तो हम सब हमको सब मालूम है, अगर हम इधर अमेरिका में हैं तो हमको मालूम है टर्की, जो बड़ा से वो चिड़िया है, वो मुर्गी नहीं पर उससे भी बड़ा है टर्की, फिर उसके साथ फिर आलू मैश पोटैटो बोलते हैं, फिर उसके साथ भुट्टा वो लोग उसको उबालते हैं, फिर उसके साथ पम्पकिन पाई बोलते हैं, चलो हम उसको नाम ऐसा डालेंगे कि कद्दू का पेड़ा, जैसा पेड़ा होता है ना तो कद्दू का पेड़ा कद्दू का पेड़ा, उसके बाद क्रैनबेरी, उसके बाद एप्पल साइडर, ये सब और भी बहुत सारे चीज़ों जो है ये सब खाना पीना खूब खुशी मनाना और खास प्रभु का धन्यवाद देते हैं और देते थे वो कि प्रभु ने ये सब चीज़ ठीक होने के लिए मदद किया, उसके बड़े नाम की तारीफ और स्तुति हो। तो हम देखते हैं कि असल में जो ये थैंक्सगिविंग का जो ये त्यौहार है ये इसीलिए ये लोग मनाते थे, पर अभी तो बहुत साल हो गए वो सब लोग ये सब भूल गए और एकदम ये जो धन्यवाद का ये जो त्यौहार है इसको एकदम हमने सब ने कमर्शलाइज्ड कर दिया। तो हम सोचेंगे कि क्यों इन लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और क्यों हमको आज भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसका स्तुति और तारीफ क्यों हमको करना चाहिए, खास तौर हर एक दिन तो करना है, हर एक दिन, हर एक हफ्ता, हर एक महीना, हर एक साल
ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हमारा काम है कि हम परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करें उसके सारे दान के लिए, और उसके जितने भी अनुग्रह वो हमारे ऊपर उंडेलता है हर एक दिन, हर एक हफ्ता, हर एक महीना, हर एक साल, इसके लिए सब हम उसको धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। परंतु खास तौर जो ये थैंक्सगिविंग का जो त्यौहार है, इस टाइम पे तो जरूर हमको ध्यान करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है और कितना भला और कितना अच्छा है हमारा परमेश्वर। तो हम देखते हैं कि जब इन्होंने फसल काटा तो परमेश्वर को इन्होंने धन्यवाद दिया, क्योंकि परमेश्वर उनका प्रदाता था, उनका प्रोवाइडर था। परमेश्वर ने ही उनके लिए सब कुछ किया और सब कुछ दिया। प्रदाता तो वो ही है, परमेश्वर की बड़ी नाम की जय जयकार हो। और फिर हमको मालूम है कि जब वो आके यहाँ पे पहुंचे तो बहुत ठंड थी, बहुत बर्फ था, वो उनको जो कुछ चाहिए था सब कुछ तो था भी नहीं, परंतु इतनी ठंड में और इतनी मुसीबत में और इतनी मुश्किल में भी परमेश्वर ने उनको पाला और परमेश्वर उनका संरक्षक था। गॉड इज आवर प्रोटेक्टर। इसलिए भी उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर की बड़ी नाम की जय जयकार हो। और फिर परमेश्वर उनका परिरक्षक था, हाँ, परमेश्वर उनका परिरक्षक था। वो गॉड प्रिजर्व देम। इन सब बातों के लिए ये सब ये लोग सोच विचार करके बड़े ख्याल से परमेश्वर के बड़े नाम को वो लोग धन्यवाद देते थे और दिया करते थे। परमेश्वर के बड़े नाम की जय जयकार हो। अब हम देखेंगे भजन संहिता, हमारा जो पवित्र ग्रंथ है उसमें भजन संहिता 136 अध्याय को हम देखेंगे, और हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसा भजन संहिता जिसने लिखा दाऊद, कैसे हमको हमको पढ़ाता है और हमको सिखाता है और हमसे बोलता है कि हम क्यों परमेश्वर की धन्यवाद क्यों हमको देना है, क्यों हमको करना चाहिए। तो हम पहली बार तो हम देखेंगे 1 से लेकर 3 आयत तक, 136 भजन संहिता 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। सच में हमारा परमेश्वर हमेशा भला है, वो भला है। वो किसी के लिए और कुछ नहीं करता, वो जो कुछ करता है वो सब हमारे भलाई के लिए ही करता है। ये बात हमको समझना है और इसके लिए हमको खास तौर परमेश्वर का स्तुति तारीफ और धन्यवाद परमेश्वर को देना चाहिए। और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का करुणा सदा की है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ एक थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा सदा के लिए परमेश्वर का करुणा जो है वो अपने हमारे ऊपर वो उंडेलता रहता है। इसलिए हम उसकी हमको उसका स्तुति तारीफ और धन्यवाद करना चाहिए। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। ईश्वरों का जो परमेश्वर है, सारे जो ऐसा अनसंट बोलते हैं ना, वो ये देवता है, वो देवता है, वो सब मनुष्य है, परंतु एक ही सच्चा जिंदा परमेश्वर है, उसका नाम है यहोवा। वो हमने नया नियम में उसको हम यीशु मसीह बुलाते हैं, कहलाता यीशु मसीह कहते हैं, बोलता जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। ईश्वरों का परमेश्वर क्यों? क्योंकि उसने ही सब कुछ सृष्टि किया, क्योंकि वही चलाने वाला है, क्योंकि वही हमको सुरक्षित रखने वाला है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार हो। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के। प्रभुओं का प्रभु, बहुत से प्रभु का प्रभु लोग इस दुनिया में आए हैं, वो बोलते हैं प्रभु, वो कोई कोई ऐसा प्रभु कहलाते हैं, परंतु हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन में, परमेश्वर का वचन में, पवित्र ग्रंथ में, कि प्रभुओं का प्रभु तो एक ही है। उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु मसीह है, जो प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए यहाँ पे हम ये पहले 3 आयत में हम देखते हैं कि दाऊद हमको काफी कारण देता है
जिसके द्वारा हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए और उसकी आराधना और उसकी तारीफ भी करना चाहिए। प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वरों का सबसे बड़ा प्रभु और उसका दया हमेशा के लिए है। प्रभु के नाम के जय जयकार हो हैं। और देखते हैं कि वो भला भी है, प्रभु भला है, हमारा परमेश्वर है जो है वो भला है। अब हम पढ़ेंगे चौथी आयत से लेकर नौ आयत तक। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसको छोड़कर यानी उसके सिवाय और कोई भी नहीं आश्चर्य काम, बड़े बड़े आश्चर्य काम करने कर सकता ना करने वाला है। उसकी करुणा सदा की है, परमेश्वर का करुणा हमेशा के लिए है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा है। जैसा हमारा परमेश्वर का बुद्धि है, उसका उस तरह का बुद्धि किसी के पास नहीं। सिर्फ परमेश्वर मसीह यहोवा सबसे बड़ा बुद्धिमान है, जिसने सब कुछ अच्छा बनाया और जिसने सब कुछ ठीक बनाया। आकाश, भूमि, तारे, ये सब ठीक ठीक समय पर और उसका जो डिस्टेंस है वो सब परमेश्वर ही जानता है, एकदम ठीक बनाए, जिसके द्वारा मनुष्य को कोई हानि ना पहुंचे। परंतु हम उसके सब भलाई को हम रुच के देख सकते हैं। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, प्रभु नाम, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। पृथ्वी को बनाया, पानी को बनाया, आकाश को बनाया, हमको बनाया, आपको बनाया, सब कुछ हमारे मसीह ने बनाया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियों बनाई, उसकी करुणा सदैव सदा की है। सूरज, चंद्रमा, तारा, ये सब बड़ी बड़ी ज्योतियां हैं, ये सब किसने बनाया, किसके हाथ के बनाया हुआ है? परमेश्वर के हाथ के बनाया हुआ है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु कितना अच्छा है, उसका करुणा कभी बदलता नहीं है, उसका दया कभी बदलता नहीं है, हमेशा के लिए वो दयालु है हमारे ऊपर और आपके ऊपर। वो दया करता है और हमारे लिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा ये भला परमेश्वर ने बनाया है। सच में ये परमेश्वर हमारा सारा धन्यवाद क्या योग्य है। उसकी बड़ी नाम की जय जयकार हो, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे 10 से लेकर 22 तक। उसने मिस्रियों को के पहलोटा को मारा, उसकी करुणा सदा की है। मिस्रियों, ये इसराइल के जो लोग थे, परमेश्वर के बच्चे, वो 430 साल ये मिस्राइम देश में थे। वहाँ पे ये मिस्रियों ने उनको बहुत कठिनाइयों उनके ऊपर डाला, बहुत काम दिया, बहुत दुख और बहुत रोना पीना ये सब ये लोग ने सहा, क्योंकि ये मिस्रियों जो थे वो अच्छे तरह से इन लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया। पर यहाँ और फिर परमेश्वर ने मूसा को उठाया और बोला हमारे लोगों को जाने दो ताकि वो जाके हमारा आराधना दूर कर सके। परंतु ये जो फरौन था उसने अपने हृदय को वो एकदम कट्टर उसको उसने कठिन कर दिया और बोला मैं नहीं जाने दूंगा। आखिर में परमेश्वर ने क्या किया, अपना जो बल है, अपना जो ताकत है, अपना जो पावर है, सामर्थ है, वो सब दिखाया। कैसे दिखाया? फरौन को, और बोले यहाँ पे लिखा उसका पहलोटा को मारा, सारे लोग जो थे उनके सब का पहलोटा जो पुत्र था सबको मार दिया। और उसने उनके बीच से इसराइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। उनके बीच में से परमेश्वर ने अपने लोग इसराइलियों को निकाल दिया, बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल दिया। बलवंत हाथ, हमारा परमेश्वर का हाथ जो है वो बलवंत हाथ है, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। और वो अपना जो भुज जो बढ़ाता है वो हमारे लिए काम करता है और हमको अपने सारे दुष्ट शक्तियों से और सारे दुश्मनों के बीच में से वो हमको निकाल के छुटकारा दे देता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा के। सोचिए जरा किसके पास ऐसा ताकत है, कहां पे लिखा है, कौन से ग्रंथ में ऐसा कहा है कि परमेश्वर ने वो समुद्र को खंड खंड करके विभाग कर दिया,
दोनों तरफ पानी को खड़ा कर दिया और बीच में से अपने लोगों को जाने को लिए जो जाने के लिए दिया। कहीं पे लिखा है, कौन ग्रंथ ऐसा है? सिर्फ परमेश्वर का जो शुद्ध वचन है, परमेश्वर का जो सच्चा वचन है, इसके सिवाय कहीं और। और हम नहीं देखते, हम नहीं पढ़ते, हम नहीं सुनते कि परमेश्वर ने इतने अद्भुत काम किए, क्योंकि परमेश्वर जो है उसने ये सब चीजों को सृष्टि किया है। प्रभु के नाम की जय जयकार हो। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है, और इज़राइल को उसने बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा ही है, और फरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसके इज़राइलियों को जो शत्रु थे सबको प्रभु ने पानी के अंदर डुबा दिया, परंतु अपने लोग को वो जयवंत करके निकाल के बाहर ले आया। उसकी करुणा सदा की है, वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। देखिए, परमेश्वर ने अपने लोग इज़राइलियों को 40 साल वो जंगल में उनको फिराया, वो 40 साल परमेश्वर ने उनको खाना दिया, उनको पीना दिया, और जो भी उनके दुश्मन जो आगे आए उनके साथ लड़ने के लिए, वो हर एक समय परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, वो हमारा रखवाला करता है, वो हमको खाने पीने को देता है, और वो हमको सुरक्षित रखता है। इसलिए हम उसकी बड़े नाम की धन्यवाद और तारीफ और स्तुति करते हैं और करना ही चाहिए। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करना सदा की है, और प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसके करना सदा की है। अमोरियों के राजा सीहोन को उसकी करना सदा की है, और बाशान के राजा ओग और घात किया, उसकी करना सदा की है, और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करना सदा की है। अपने दास इज़राइलियों के भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करना सदा की है। ये इज़राइलियों के आसपास इनके एकदम आसपास तो बहुत से उनके दुश्मन थे, बड़े बड़े राजाएं थे, और उनका जो सामर्थ्य भी था, और प्रभु परंतु हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, यहोवा ने क्या किया, इन सबों को मार दिया, और अपना जो जन था, अपने जो लोग थे, उनको प्रभु ने सुरक्षित रखा, उनको जयवंत कर दिया। और ये सब लड़ाई, ये सब जो युद्ध थे, ये सब प्रभु ही आके अपने लोगों के लिए लड़ा। प्रभु की बड़े नाम की जय जयकार हो। आखिर में हम पढ़ते हैं 23 से लेकर 25 तक, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है, और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है, वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि अरे ये तो पुराने नियम का ये कहानी है, परमेश्वर ने कितने कितने साल पहले हैं, कितने शताब्दी पहले ये किया हुआ। नहीं, हमारा परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। आज भी हमारा परमेश्वर जिंदा है, आज भी हमारा परमेश्वर का दया जो है वो एक भी इतना भी थोड़ा से भी कम नहीं हुआ। वो दयालु है आपके ऊपर, हमारे ऊपर वो दया दिखाता है, दया करता है, और हमको अपने दुश्मन जो है सीहोन का राजा नहीं और ओग भी नहीं, परंतु वो जो शैतान है, सबसे बड़ा दुश्मन जो हमको मार डालने के लिए, जो हमारी आत्मा को खत्म करने के लिए, और हमारे जो प्रभु ने जो हमको इतने इतने वायदा दिए हैं, इतने इतने प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया है, वो सब चोरी करने के लिए वो आता है। वो बड़ा दुश्मन से भी प्रभु हमको बचा सकता है, बचाने वाला तो वो ही है। इसलिए हमको हर एक दिन उसकी धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, और उसकी स्तुति करना बहुत ही जरूरी है, और उसके बड़े नाम को हमको ऊंचा करना है। वो हमको खाना देता है, पीना देता। हाँ, हम सोच सकते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे हमारे घर वाले, हमारे पति, हमारे बाप बेटे सब लोग बहुत, उनके पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, हमको कोई चीज की कमी नहीं, कोई घटी नहीं। भाई बहन, आपको मालूम है जो भी चीज है वो सब एक मिनट में खत्म हो सकता है। आग आ गया, पहाड़ आ गया, पृथ्वी हिल गया, सब कुछ खत्म हो सकता।
अकाल आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, सब कुछ हमको नष्ट हो सकता है, परंतु परमेश्वर का दया जो है वो हमेशा हमारे ऊपर रहेगा, और उसका वचन जो है वो बदलने वाला नहीं है, और उसका सामर्थ्य जो है वो खत्म नहीं होता है, उसको कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। उसके ऊपर आप विश्वास कीजिए और उसको आप धन्यवाद कीजिए, उसकी तारीफ करिए, उसकी स्तुति करिए, जिसके द्वारा आप और हम परमेश्वर का हर एक अनुग्रह पा सकते हैं। उसके नाम की जय जयकार हो। हम हमेशा प्रभु की धन्यवाद करते ही रहे, आमीन। आइए हम दुआ मांगेंगे। प्यारे प्रभु, हम तेरी तारीफ और तेरी स्तुति करते हैं कि तू कितना दयालु है, तेरा करुणा सदा के लिए है, वो खत्म नहीं होता। प्रभु हम तेरी तारीफ करते हैं कि सारे दुश्मन के ऊपर तूने जय पाया है। प्रभु तेरा जैसा और कोई नहीं है, प्रभुओं का प्रभु तू है, ईश्वरों का ईश्वर तू ही है। प्रभु तूने मृत्यु पर जय पाया है, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। ठंड में, गर्मी में, अकाल में, भाड़ में, सब समय तू हमारा रखवाला कर सकता है, तू हमको रख सकता है, तू हमको पाल सकता है। प्रभु सिर्फ ये शरीर के लिए नहीं, सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं, परंतु जो अनंत जीवन है हमारे आत्माओं के लिए, प्रभु तू ही ने हमारे लिए सारा रास्ता खोला है कि हम आपके पर विश्वास करें, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन पा सके। कि सलीब आपने हमारे पापों के लिए उठा लिया और वो कलवरी पे आप मारा गया। प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, सारे लोगों के पापों के लिए तू अपने आप को तूने अर्पण किया, और अगर हम उसके पर विश्वास करें हम अनंत जीवन पा सकते हैं। हम हलीमता से तेरी स्तुति और तेरी धन्यवाद करते हैं, तेरे ही बड़े नाम की जय जयकार हो। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।